लड़की हूं लड़ सकती हूं बस राजस्थान नहीं जा सकती हूं बिहार पर मुंह में दही जमा सकती हूं और बंगाल पर होंठ सिल सकती हूं लड़की हूं राजस्थान नहीं जा सकती हूं एक शांत राज्य सुरक्षित राज्य पिछले पांच वर्षों में नंबर वन महिला अपराध में बन गया है एक लाख नौ हजार महिला अपराध की घटनाएं पिछले चार वर्षों में तैतीस हजार महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में 22 प्रतिशत देश की महिला दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में ये अपने आप में राजस्थान को नंबर वन महिला अपराध में बनाता है और कुल मिलाकर लगभग 10 लाख से ज्यादा आपराधिक घटनाओं को रजिस्टर किया गया अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महिलाओं पर अपराध की घटनाओं पे राज्यों को कड़े कदम उठाने चाहिए और सोनिया जी और राहुल गांधी जी के आदेश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कड़े कदम उठाए और अपने ही एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया बर्खास्त इसलिए किया कि राजेंद्र जी ने राजस्थान की हालात पर चिंता व्यक्त की कि दूसरे राज्यों को छोड़ के राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही है उसकी चिंता की जाए चर्चा की जाए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी के आदेश पर उसको ही बर्खास्त कर दिया और उन्होंने क्या कहा राजेंद्र सिंह गुड़ा जी ने कि विधानसभा में मैं सीएम से वन ऑन वन जवाब मांगूंगा और बड़ी बात यह कही है किसी और ने नहीं जो साढ़े चार साल राजस्थान की सरकार में अशोक गहलोत जी की सरकार में मंत्री रहे उन्होंने कहा प्रदेश में सीएम का इकबाल खत्म हो गया है ये बहुत बड़ी बात है एक जो आपका मंत्री साढ़े चार साल आपके साथ रहा उन्होंने कहा राजस्थान में अराजकता का माहौल है सीएम विधानसभा में आते हैं ना आते हैं ना जवाब देते हैं और ये मैं नहीं कह रहा जी ये राजस्थान में कांग्रेस के मंत्री ही अपने मुख्यमंत्री से सवाल खड़े करते हैं एक मंत्री तो है जिन्होंने हिम्मत करके महिला अपराध पर कोई बात कही दूसरे मंत्री जिनको उन्होंने शह दे रखी है और संरक्षण दे रखा है सोनिया जी राहुल जी के आदेश पर जिनको बचाने का काम किया है अशोक गहलोत जी ने शांति धारीवाल जी क्या कहते हैं जब महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई अपराध की घटना हुई तो उन्होंने कहा यह मर्दों का प्रदेश है और पूरे कांग्रेस ही ढाका मार के हंसते हैं मंत्री और विधायक और मजाक उड़ाते हैं सोनिया जी प्रियंका जी राहुल जी इस पर कोई जवाब नहीं देगा क्या कांग्रेस पार्टी का मलिका और खड़गे जी से मैं कहता हूं और मैं तो इतना ही कह सकता हूं मैं तो यूपी चुनाव में जब सह प्रभारी था तो प्रियंका जी बड़ी बड़ी बातें करती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं बस राजस्थान नहीं जा सकती हूं बिहार पर मुंह में दही जमा सकती हूं और बंगाल पर होंठ सिल सकती हूं लड़की हूं राजस्थान नहीं जा सकती हूं और कोई महिला अपराध की आवाज उठाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहकर उनका इस्तीफा करवा सकती हूं लड़की हूं लड़ सकती हूं शांति धारीवाल ये कहे मर्दों का प्रदेश है तो ठाके के हंस लेना बचाने के लिए मैं तुम्हारे लिए लड़ सकती हूं अरे राजस्थान में आपराधिक घटनाएं महिलाओं पर कौन कौन सी हुई जरा एक बार सोचिए तो सही मुख्यमंत्री के घर से पांच किलोमीटर दूरी पर वैशाली नगर में एक बच्चे के सामने उसकी मां की इज्जत लूटी जाती है उसको मरने पर मजबूर किया जाता है करोली में युवती का अपहरण करके गैंग रेप करके गोली मारी जाती है एसिड मारा गिराया जाता है फिर कुएं में डुबा दिया जाता है दौसा में आदिवासी महिला का अपहरण करके गैंग रेप करके एसिड डाल के उसकी भी हत्या कर दी जाती है उदयपुर में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद आठ टुकड़े करके फेंक दिया जाता है जंगल में बीकानेर के खाजूवाला में दो पुलिस वाले शामिल होते बलात्कार में लेकिन गिरफ्तारी पहले दिन नहीं होती सीसीटीवी कैमरा में है तब भी उसके बावजूद जोधपुर में जिसको भाई जैसा माना था ऐसे तीन लोगों ने दरिंदे कहूंगा मैं तो जिन्होंने दुष्कर्म करने का काम किया और ये मुख्यमंत्री का ग्रह जिला है अरे मुख्यमंत्री तो सोए हैं लेकिन जो लड़की है लड़ सकती हूं वो कहां है जो बॉर्डर से चले गई करौली के पास से लेकिन वहां नहीं जाने का दम भर पाई जहां करौली में दलित युवती के साथ गैंगरेप करके एसिड फेंक के उसको मार दिया जाता है दलित हो युवती हो महिला हो इनके खिलाफ राजस्थान नंबर वन अपराध की दृष्टि से महिला अपराध की दृष्टि से बना है बंगाल भी पीछे नहीं है बंगाल में चुनाव में बम और हत्या बैलेट से ज्यादा बम की घटनाएं सुनने को मिली हत्या के मामले हत्या और हिंसा के मामले रास्ते सत्ता हत्याने का काम किया गया लेकिन पश्चिम बंगाल में मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं ममता बनर्जी जी न जाने आपके दिल में ममता बची है कि नहीं बची है यह सवाल खड़ा होता है बंगाल के हावड़ा में इंसानियत शर्मसार हुई है लेकिन सबके होंठ सिले हुए हैं जी हावड़ा के पांचला इलाके में पंचायत चुनाव के मतदान से पंचायत चुनाव के मतदान के दिन 40 से ज्यादा टीएमसी के गुंडों ने महिला को निर्वस्त करके घुमाया प्रत्याशी को पीटा गया बेजती की गई और यही नहीं बंगाल के ही मालदा में एक जो वीडियो वायरल हो रहा है मैं तो ऐसे वीडियो दिखाऊंगा भी नहीं शेयर भी नहीं कर सकता लेकिन जहां पर दो महिलाओं को पीट पीट कर अर्धनंग किया जा रहा है और नंगा करके उनको जैसे घुमाया जा रहा है जी वीडियो बनाए जा रहे हैं कहा है ममता जी की ममता कहा सरकार कहा कार्रवाई हो पा रही है ये बंगाल से लेके बिहार से लेके राजस्थान तक तृणमूल हो जेडीयू हो आरजेडी हो कांग्रेस हो इनके शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही है और सरकारें मूक दर्शक बनके बैठी हैं ये गठबंधन की बात करते हैं उस गठबंधन के नेताओं के ऊपर देखिए एक भी इस बात को लेकर अपनी बात नहीं कहता है और कहां गए वो अवार्ड वापसी वाले लोग कहां गए कैंडल मार्च वाले लोग कहां गए फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले लोग क्या बंगाल बिहार राजस्थान में महिलाओं के साथ होती घटनाओं पर वो मूक दर्शक बनके बैठे रहेंगे और जो मर्दों वाला प्रदेश कहकर ठाक के मारते हैं उस पर खड़गे जी आप क्या पूरा गांधी परिवार भी मुख दर्शक बन के बैठा रहता है सवाल खड़े होते हैं आपके साथ